हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल तो आज एक और वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में आज फिर मैं ट्रेड करने वाला हूँ और सबसे पहले तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे पूरा जो मेरा सेटअप था कैसा क्या चीज़ था यहाँ पे ओके तो ट्रेड आप देख सकते हो तो ट्रेड कम्प्लीट हो चुका है और आज हमने जो प्रॉफिट बुक किया है दैट इज़ सिक्स थाउजेंड ठीक है तो आज फिर रोलर कॉस्टर राइड हुई है यहाँ पर और बहुत बड़ा प्रॉफिट मैंने मिस किया है आज यहाँ पर लगभग ट्वेंटी टू थाउजेंड के आसपास का रनिंग प्रॉफिट था लेकिन वो ट्रेल करते करते सिक्स थाउजेंड पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट हुआ और सिक्स थाउजेंड के आसपास का प्रॉफिट हमने बुक किया ठीक है ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो ये रिजेक्टेड ऑर्डर हैं ये चार ऑर्डर्स तो इनको अवॉइड करिएगा मेन ये था टू हंड्रेड क्वान्टिटीज वन फोर्टी नाइन के प्राइस पे बाई की थी और वन वन थ्री पे हमने सेल कर दिया था ठीक है वैसे इसको काफ़ी मुझे होल्ड करना था काफ़ी अच्छा प्रॉफिट सारा था बट ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस था तो वो हिट हो गया तो उसकी वजह से हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था ठीक है और अभी देखो काफ़ी अच्छी रिकवरी मार्केट में आई है मार्केट में आज हुआ क्या कि थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई उसके बाद कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग हुई ऑलमोस्ट देखे थे साढ़े पॉइंट्स के आसपास की हमें देखी प्रॉफिट बुकिंग और अभी जो उसके बाद देख रहे हैं हम कि जो वापस से बायर से एक्टिव हो रहे हैं और कंटिन्यूसली पाँच सौ तिहत्तर यानी कि लगभग छः सौ पॉइंट्स के आसपास अभी भी बैंक निफ्टी ऊपर जाते जा रहा है तो इतना तेज़ी से मोमेंटम भी अभी आ रहा है ठीक है तो काफ़ी अच्छी रिकवरी मार्केट में दिखाई दे रही है तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर मेरा ट्रेड क्या था और क्या लॉजिक के बेस पर मैंने लिया हुआ था ठीक है तो जैसा कि आपको पता है मैं ट्रैप ट्रेडिंग तो एक ही सेटअप में फॉलो करता हूँ और फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम जब हम फीबो को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आती हैं ये 0.5 और ये 0.6 की लेवल्स राइट तो इनको अगर हम लेते हैं तो ये जोन था हमारे लिए जिस पे क्या सिनेरियो था ये जोन हमारे लिए आ चुका था कि हमें इस पॉइंट पे जाके सेलिंग करनी है ठीक है मार्केट क्योंकि ओवरऑल सेलिंग प्रेशर में था ठीक है यहाँ से क्या था प्रॉफिट बुकिंग का जोन चल रहा था तो बाइंग हम प्लान नहीं कर सकते थे तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास सेलिंग प्लान की और स्काल्पिंग ट्रेड काइंड ऑफ अ थिंग और मैं फ्यूचर्स के चार्ट में आपको दिखाता हूँ तो थोड़ा सा बेटर आपको आ, समझ में आएगा ठीक है फ्यूचर्स के ही स्पॉट चार्ट में मतलब जो ट्रेड करते हैं ठीक है तो देखो एंट्रीज पॉइंट हुई ये फीवो के लेवल के आसपास इस रेड कैंडल के आसपास हमारी एंट्री हुई और मेरा टारगेट था एग्जैक्ट थर्टी नाइन जीरो थ्री ज़ीरो यानी कि उनतालीस हज़ार थर्टी रुपीज़ का टारगेट था और इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट ने 29 टू 28 का लो बनाया मतलब सिर्फ एक दो रुपए से मेरा टारगेट लेफ्ट हुआ नहीं तो 23,000 के आसपास प्रॉफिट बुक होना था तो वहां से ये रिट्रेसमेंट कर गया और जो स्टॉप लॉस था मैंने रियल स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था और जो ट्रेल हमने कर दिया था वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास मतलब प्रॉफिट जो हमारा था जोन के उसके नीचे ही मैंने ट्रेल कर दिया था ठीक है तो जिसकी वजह से आज हम प्रॉफिट्स में निकल पाए हैं तो बस एक दो रुपए का यहाँ पे हमारा टारगेट मिस हुआ और ये वापस रिट्रेसमेंट यहाँ से हो गया जिसकी वजह से सिर्फ हमारा सिक्स का प्रॉफिट मिला नहीं तो ये प्रॉफिट आज हमारा लगभग ट्वेंटी के आसपास होना था ठीक है मैं सेटअप क्या फ़ॉलो करता हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल सिंपल से सिंपल सेटअप फॉलो करता हूँ मैं अगर आपको जब भी अच्छी खासी रैली दिखती है फॉर एक्ज़ाम्पल निफ्टी में बैंक निफ्टी में तो ज़ीरो और जीरो पॉइंट की ऐसी गोल्डन लेवल्स हैं जहाँ से नाइन्टी चांसेस होते हैं कि रिट्रेसमेंट आना है अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रैली आई है अब मैं बॉटम से लेकर टॉप तक लगाता हूँ तो मेरे पास क्या है अब जो ये 0.5 और 0.6 की ये लेवल्स हैं अगर ये वापस रिट्रेस करके आता है तो मुझे फिर से एक ना एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाइंग साइड की मिल सकती है लेकिन ये रिट्रेसमेंट आके वापस देगा टारगेट इस टाइप से ठीक है लेकिन मैं कभी भी बड़े टारगेट्स पे फोकस नहीं करता हूँ मैं बैंक निफ्टी में हंड्रेड पॉइंट्स एट्टी पॉइंट्स इसी पर फोकस करता हूँ मेरा स्टॉप लॉस भी सिक्सटी एट्टी पॉइंट्स का रहता है ठीक है तो सेटअप एक पकड़ो आप कि एक सेटअप पकड़ लो एक स्ट्रेटजी पकड़ लो और उसी को फॉलो करो ऐसा ना हो कि आज आप ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हो कल आप फॉर uh, एग्जांपल कोई और स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो परसों कोई और स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो कई बार होता क्या है कि हम फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेटजी कोई फॉलो कर रहे हैं ठीक है कोई हमने एक स्ट्रेटजी पकड़ ली फॉर एग्जांपल मैं ट्रैप स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर आप लोग के साथ शेयर की हुई है ये ट्रैप स्ट्रेटजी ठीक है अब मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ अब कल आप लोग ने देखा कि कल मैंने दो अपॉर्चुनिटी मिस की थी कल मैंने क्या किया था दो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस की थी ठीक है लेकिन उसके बाद भी क्या मैंने कोई दूसरा सेटअप पकड़ा यार मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो ऑफकोर्स नहीं आज भी मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे छोटा सा टारगेट मिला है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या मैंने दूसरा सेटअप पकड़ लूँगा इसमें प्रॉफिट्स बड़े नहीं हो रहे हैं ऑफकोर्स नॉट मैं इसी सेटअप को प्रॉपर पेशेंस के साथ फॉलो करूँगा हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बार बार स्ट्रैटजी बदल लेते हैं सेटअप बदल लेते हैं एक बार आप कोई भी स्ट्रैटजी कोई भी सेटअप को बैक टेस्ट कर लो और जब आपको उसमें सिक्सटी टू सेवेंटी की भी एक्यूरेसी मिल जाती है और वन रेशियो टू वन रेशियो थ्री के ट्रेड्स मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको पकड़ के रख लो साथ में बिल्कुल उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है अब मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ मैं डेली वीडियोस में इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आ, अब मेरे प्रॉफिट्स एंड लॉस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं अभी राइट अभी देखो क्या हुआ था उस दिन थ्री थाउजेंड का लॉस हुआ था हमने कम क्वान्टिटिटीज़ में किया फिर यहाँ पे टू हंड्रेड क्वांटिटीज़ में दस हज़ार का लॉस फिर कल हमने ट्रेड किया तो कल क्या हुआ कल हमें ऑलमोस्ट फ्लैट था फोर हंड्रेड के आसपास प्रॉफिट था उसके अलावा कुछ नहीं अब आज हमें फिर लॉस है तो मेरा मेन फोकस ये रहता है कि मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बनाऊँ मेरा ये फोकस नहीं है कि मैं डेली बीस हज़ार पचास हज़ार रुपये एक लाख रुपये बनाऊँ मेरा ये फोकस है कि मैं डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स निकालूँ अगर मैं कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली के साथ कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट्स निकालते जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ये जो प्रॉफिट्स आप देख रहे हो छः हज़ार दस हज़ार ये ऑटोमेटिकली पचास हज़ार के प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे लेकिन उसके लिए मुझे अभी कॉन्फिडेंस चाहिए होगा ठीक है तो ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप सेटअप पकड़ो अच्छी एक स्ट्रेटजी पकड़ो और उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाओ उसी के ऊपर अच्छे से काम करना आप शुरू कर दो ठीक है बहुत अच्छी रिकवरी मार्केट पर दिखाई दे रही है अभी आज अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी भी तो मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला हूँ लगभग ग्यारह बज के आठ मिनट ही हुए हैं अभी लेकिन अब मेरा ट्रेड हो गया है तो अभी मैं यहाँ पे जो है अपना सेशन क्लोज़ कर दूंगा और इसके बाद मैं और कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा ठीक है ओके सो दिस इज गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो